हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल ड्यूअल क्रैकर हम अपने एन सी आर टी हाईलाइट सीरीज़ में चैप्टर नंबर थ्री कर रहे हैं जिसमें से हमने इसकी सीरीज़ वन कम्प्लीट कर ली है हमने मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लिया है आज हम नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं आप सभी ने मेटल नॉन मेटल जो है सेवनथ एथ क्लास में भी पढ़ा है और हमने इसी चैप्टर में स्टार्टिंग में भी मेटल नॉन मेटल दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट भी किया था तो आज हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ करते हैं चलिए इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न दैट देयर आर फ्यू नॉन मेटल्स हमने अपनी पिछली क्लास में काफ़ी सारे नॉन मेटल्स के रिगार्डिंग पढ़ा है और हमने कंपेरिजन भी पढ़ा है मेटल और नॉन मेटल के बीच में हमने देखा है कि एज नॉन मेटल्स है वो क्या है काफी कम है एज कंपेयर टू मेटल्स सम ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर कार्बन सल्फर आयोडीन ऑक्सीजन हाइड्रोजन एक्सेट्रा ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे नॉन मेटल्स के नॉन मेटल्स आर इधर सोलिड और गैस ये सोलिड भी हो सकते हैं गैस भी हो सकते हैं एक्सेप्ट ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है किस में पाया जाता है लिक्विड स्टेट में हमारा क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म होगा कि नो no, ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है तो दैट इज ब्रोमीन ये हमारा यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म होगा कि ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है विच फाउंड इन लिक्विड स्टेट जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है डू नॉन मेटल्स ऑल्सो हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ मेटल्स क्या नॉन मेटिक मेटल्स की भी ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जैसे हमने मेटल्स की पढ़ी लेट अस फाइंड आउट चलिए एक्टिविटी थ्री पॉइंट सेवन पढ़ते हैं हमने कुछ सैंपल्स हैं वो कलेक्ट किए हैं कार्बन के कार्बन के करते इसमें कोल और ग्रेफाइट भी आता है सल्फर है आयोडीन है ये सारे क्या है ये मेटल्स है। है? अब इनको आप क्या करोगे रिकॉर्ड करोगे एलिमेंट लिखोगे उनके सिंबल लिखोगे उनका सरफेस हार्डनेस मेलियबल है रक्टाइल है हीट और हीट इसमें कंडक्शन है क्या हीट और इलेक्ट्रिसिटी का और सोनोरिटी है ये हमने सारी जो है मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी आप इन इन सब आ, नॉन मेटल्स को भी क्या करोगे ऑब्जर्व करोगे और इसके अंदर रिकॉर्ड करोगे इस टेबल के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डिंग इन टेबल थ्री पॉइंट द जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन द क्लास ठीक है फिर हम उसके बाद में मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज जो है क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं यू मस्ट हैव कंक्लूडेड दैट वी कैन नॉट ग्रुप एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एलोन जैसे हम जो हैं ऐसे उनकी सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही हम मेटल्स और नॉन मेटल को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं क्योंकि कुछ ऐसे एक्सेप्शन भी हैं फॉर एग्जाम्पल ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज सोलिड एट रूम टेम्परेचर ठीक है सारे मेटल्स क्या होते हैं रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं बट मरकरी भी क्या है मेटल है बट ये तो नहीं है रूम टेम्परेचर पर सॉलिड यू हैव ऑब्जर्व दैट मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट हमने ऑब्जर्व किया है मेटल का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है जैसे कि हम आय हम जो क्लास में डेस्क पे बैठते हैं वो भी क्या है मेटल है आयरन है अब ऐसा तो नहीं कि गर्मियों के अंदर जिस डेस्क पे हम बैठे हैं वो पिघल गया नहीं तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है हाई होता है लेकिन इसमें गैलियम और सीजियम है इन दो ये दोनों भी क्या है मेटल है और इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है लो होता है जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन बनेगा वो यहाँ से बनेगा मरकरी से मरकरी क्या होता है एक्सेप्शन है ये सोलिड नहीं होता रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड होता है ठीक है सोलिड नहीं होता लिक्विड स्टेट में पाया जाता है लेकिन जो गैलियम और सीजियम है और इनका क्या है मेल्टिंग पॉइंट लो होता है तो ये हमारे तीन यहाँ से एम सी क्यू फॉर्म हो गए हैं दीज टू मेटल्स विल मेल्ट इफ यू कीप देम ऑन योर पाम जो गैलियम गैलियम और सीजियम है इनका इतना कम मेल्टिंग पॉइंट होता है कि अगर हम अपनी हथेली पर रखते हैं तब भी ये क्या हो जाते है पिघल जाते हैं तो ये वाला क्वेश्चन जो है यहाँ से फॉर्म होगा आयोडिन इज अ नॉन मेटल बट इज इट इज लस्ट्रस आयोडिन क्या है नॉन मेटल है लेकिन इसके अंदर क्या है चमक है ये जो सारे पॉइंट्स हैं इनमें से एम सी क्यों फॉर्म होंगे कार्बन इज अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स इसके अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है ईच फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रोप एलोट्रोप किसको बोला जाता है कार्बन की जो कार्बन मेटल है, उसकी को। मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में मिलते हैं तो इनको क्या बोला जाता है एलोट्रोप डायमंड एंड एलोट्रोप ऑफ कार्बन डायमंड भी क्या है कार्बन का एलोट्रोप है इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ये हार्ड होता है एज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है ग्रेफाइट जो है वो भी कोई क्या है अनदर एलोट्रोप ऑफ कार्बन है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है अलकली मेटल जैसे लिथियम है सोडियम है पोटेशियम है ये क्या है सॉफ्ट है दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ ठीक है दे हैव लो डेंसिटी इनकी डेंसिटी कैसी होती है लो होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है लो होता है तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनमें से एक एक एम जो है फॉर्म होगा ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एलिमेंट्स कैन बी मोर क्लियरली क्लासीफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़ अभी तक हमने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है लेकिन जो एलिमेंट्स हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर भी क्या होते हैं कैटेगराइज किए जाते हैं ठीक है थीके? उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कैटेगराइज कर सकते हैं एक्टिविटी थ्री पॉइंट वन एट देख लेते हैं टेक अ मैग्नीशियम रिबन आप क्या करोगे एक मैग्नीशियम रिबन लोगे एंड सम सल्फर पाउडर कुछ सल्फर का पाउडर लोगे और उसको क्या करोगे मैग्नीशियम रिबन को जला दोगे उस ऐश को क्या करोगे इकट्ठा कर लोगे जो राख बनेगी ना उसको इकट्ठा करके पानी के अंदर घोल लेना उसके बाद जो उसका रिजल्ट आएगा पानी के अंदर हम उसको मिक्स करेंगे तो देखना जो सॉल्यूशन का जो रिजल्ट आएगा वो रेड और ब्लू लिटमस पेपर पर उनको ड्रॉप को डालकर देखना फिर देखना कि क्या आता है एसिड है या बेस है नाउ बर्न अब क्या करेंगे सल्फर पाउडर को हम क्या करेंगे बर्न करेंगे जलाएंगे उसके बाद में उसको एक टेस्ट ट्यूब के ऊपर रख देंगे और बर्निंग सल्फर टू कलेक्ट द फ्यूम्स जब सर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें क्या करना है सल्फर पाउडर को रखना है टेस्ट ट्यूब के अंदर और उस टेस्ट ट्यूब को हमने क्या करना है एक फ्लेम के ऊपर जो गैस की फ्लेम है उसके ऊपर हमने रखनी है तो क्या होगा कुछ फ्यूम्स मतलब बाहर गैस जाएगी एड सम वाटर टू द अबव टेस्ट एंड शेक उसमें क्या करना है आपको वाटर डालना है और उसको शेक करना है हिलाना है टेक दिस सोलूशन विद दोबारा हमें रेड और लिटमस ब्लू लिटमस पर क्या करना है देखना है तो आप देखना कि जो बर्निंग वाला सल्फर था वो एसिडिक था या बेसिक था उसके बाद क्या आप इसकी इक्वेशन लिख सकते हो मोस्ट नॉन मेटल प्रोड्यूस एसिड ऑक्साइड्स व्हेन डिसॉल्व इन वाटर मोस्टली नॉन मेटल्स या करते हैं एसिडिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं जब किस में पानी के अंदर घुल जाते हैं ऑन अदर हैंड मोस्ट मेटल्स गिव राइज टू बेसिक ऑक्साइड्स ठीक है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेटल क्या करेंगे बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे नॉन मेटल क्या करेंगे एसिडिक ऑक्साइड जब ये वाटर के अंदर डिजॉल्व होंगे अब देखो यहां से देखो कौन सा ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है अभी हमने पढ़ा था ना कौन से ऐसा मेटल uh, है जिसको हम नाइफ से कट कर सकते हैं विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट विच इज़ द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट अभी जो हमने ये फोर पॉइंट्स पढ़े थे इसी में से क्वेश्चन फॉर्म हो रहे हैं ये रहे देखो यहाँ से इनमें से ये जो चार पॉइंट्स हमने पढ़े हैं इसमें से ये सारे क्वेश्चंस जो हैं फॉर्म हो रहे हैं अब एक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स वी विल लर्न अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स इन द फॉलोइंग सेक्शंस हम इन सेक्शंस में पढ़ेंगे अब हम कलेक्ट करते हैं कुछ सैंपल्स। एल्यूमिनियम कॉपर आयरन लेड मैग्नीशियम जिंक एंड सोडियम वट हैटल आर बर्न इन एयर जब मेटल को हवा में जलाया जाता तो क्या होगा यू हैव सीन द मैगनीशियम बर्न इन एयर विदलिंग वाइट फ्लेम जब मैग्नीशियम जनता है तो क्या करता है एक वाइट कलर की फ्लेम आती है है ठीक डू ऑल मेटल्स रिएक्ट इन द सेम मैनर लेट एस चेक बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज एक्टिविटी थ्री पॉइंट नाइन द फॉलोइंग एक्टिविटी नीड्स अ टीचर असिस्टेंस ठीक है टीचर की हेल्प से ही करनी है और आपको क्या करना है आई ग्लासेस पहनने हैं प्रोटेक्शन के लिए जो भी ये मेटल्स है ये सैंपल्स हमने दे रखे हैं उनको क्या करना है हमें टोंग से हमें पकड़ना है और फ्लेम के ऊपर रखना है और इनको क्या करना है इन सैंपल्स को बार बार हमें क्या करते रहना है बर्न करते रहना है उसके बाद ये थोड़ी देर के बाद ठंडे हो जाएंगे तो कौन मेटल जल्दी से बर्न हो रहा है किसको टाइम लग रहा है जलने में कोई कैसा अपीयर हो रहा है बर्न होने के बाद ठीक है सोल्यूबल है या नहीं तो आप ये ऑब्जर्व करना ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स और ज्यादा सभी मेटल्स जो है ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाते हैं और क्या बनाते हैं मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन जब कॉपर है ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाता है तो क्या बनाता है कॉपर ऑक्साइड बनाता है एल्यूमिनियम फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम क्या बनाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है ठीक है रिकॉल फ्रॉम चैप्टर टू हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने जो चैप्टर टू में पढ़ा था कॉपर ऑक्साइड किसके साथ में हाइड्रोक्लोरिक के साथ में कैसे रिएक्ट करता है वी हैव मेटल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर अभी हमने पढ़ा है कि बट सम सच जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया जिंक ऑक्साइड एक्सेट्रा सो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर क्वेश्चन हमारा यहाँ से फॉर्म होगा कि जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करता है वो कौन सा है तो दैट इज एल्यूमिनियम और जिंक ऑक्साइड

जो एसिड और बेस के साथ में रिएक्ट कर कर क्या प्रोड्यूस करते हैं सोल्ट और वाटर जैसे ये है ये क्या है एल्यूमिनियम ऑक्साइड साथ में किसके साथ में की एसिड है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसने क्या बनाया एल्यूमिनियम क्लोराइड सोल्ट बना दिया साथ में क्या बनाया वाटर बनाया ऐसे ही दोबारा से किसके साथ में बेस के साथ में रिएक्ट किया तो इसने सोडियम एल्यूमिनियट बना दिया टू एन एल ओ टू और साथ में क्या बनाया वाटर बनाया टल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्यूबल इन वॉटर बट समीज डिजॉल्व इन वॉटर टू फॉर्म अल्कलीज ज्यादातर मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं पानी के अंदर नहीं घुलते हैं लेकिन कुछ जो है पानी के अंदर घुल जाते हैं तो उनको क्या बोला जाता है अलकलीज बोला जाता है समियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिजोल्व इन वॉटर टू प्रोड्यूस अल्कली ठीक है ये एग्जाम्पल है वी हैव ऑब्जर्व एक्टिविटी थ्री पॉइंट नाइन डेट ओल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द सेम रेट कि सारे के सारे मेटल हैं वो एक ऑक्सीजन के साथ में सेम रेट पर नहीं रिएक्ट करते हैं मतलब उनको टेम्परेचर अलग होना चाहिए उनका डिफरेंट मेटल्स और डिफरेंट रिएक्टिविटीज टूवर्ड ऑक्सीजन सबका जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कोई टू मॉलिक्यूल लेगा कोई थ्री मॉलिक्यूल लेगा सबका जो है अलग अलग रिएक्टिव करने का तरीका है ये नहीं कि सारे एक ही तरह से रिएक्ट कर रहे हैं मेटल मेटल सच सचेस्ट पोटेशियम हुआ सोडियम हुआ वो क्या करते हैं वो जल्दी से फायर कैच कर लेते हैं अगर हम उनको ओपन में रख दें तो यहाँ से भी क्वेश्चन फॉर्म होगा कि विच मेटल कैच फायर इजीली वेन वी कैप्ट इन द ओपन तो दैट इज पोटेशियम एंड सोडियम हैंज टू प्रोटेक्ट डेम एंड टू प्रिवेंट

द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन और ये दोबारा से यह करती है ऑक्सीडेशन होने से बचाती है ठीक है तो एक ऑर्डनरी टेम्परेचर पर जैसे मैग्नीशियम हुआ एल्यूमिनियम हुआ जिंक हुआ लेड हुआ तो इनको क्या कर देते पहले से इन पे थी कोटिंग कर देते किसकी ऑक्साइड की जिससे इन ये क्या करें मेटल को खराब होने से फर्दर ऑक्सीडेशन मतलब जंग लगने से बचाए आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग आयरन जो होता है वो जलता नहीं है गर्म करने पर लेकिन जो आयरन फीलिंग्स होती हैं वो जल्दी से जल जाती है कॉपर डज नॉट बर्न कॉपर नहीं जलता बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद अ ब्लैक कलर लेयर ऑफ द कॉपर ऑक्साइड लेकिन क्या हो जाती है एक गर्म होने के बाद वो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर सिल्वर और गोल्ड है जो हम ऑर्नामेंट पहनते हैं इन पर क्या नहीं होता जंग नहीं लगता हाई टेम्परेचर पर भी आफ्टर परफॉमिंग एक्टिविटी थ्री पॉइंट नाइन यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ द सोडियम क्या होता है ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है रिएक्शन ऑफ मैग्नेशियम इज लेस विगरेस इट इज़ नॉट एज अ रिएक्टिव एज सोडियम ठीक है ये मैग्नेशियम क्या होता है सोडियम से कम रिएक्टिव होता है बट बर्निंग इन ऑक्सीजन डज नॉट हैल्प टू डिसाइड अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ जिंक आयरन कॉपर और लैड लेट अस सी सम मोर रिएक्शंस टू अराइव एट अ कंक्लूजन अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दिस मेटल्स तो अब क्या करेंगे मेटल्स का अलग अलग के साथ में रिएक्शन देखेंगे अभी हमने जैसे मेटल का किसके साथ में देखा था मेटल ऑक्साइड्स का देखा था ना कि मेटल जो है एयर में ऑक्सीजन के साथ में अगर बर्न होते हैं तो क्या करते हैं अब हम वॉटर के साथ में भी देखेंगे ठीक है तो हम ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे काफ़ी लेंथी चैप्टर है क्योंकि हमें मेटल नॉन मेटल दोनों का करना है चलिए नेक्स्ट क्लास में करते हैं नेक्स्ट टॉपिक